भोपाल की करते हैं। बीजेपी का कल समरसता कार्यक्रम है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम करेगी बीजेपी। सीएम शिवराज सिंह चौहान महू जाएंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे, प्रदेश संगठन मंत्री हितारण शर्मा भी मौजूद रहेंगे। 2023 से पहले सभी 65,000 बूथ पर अनुसूचित जाति वर्ग के साथ कार्यक्रम है, बच्चों को लेकर महिला बुजुर्ग को जोड़ने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 14 तारीख यानी अंबेडकर जयंती को एक अलग रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े तमाम लोग फील्ड पर होंगे, जनता के साथ होंगे और कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। मेरे साथ इस वक्त हरिशंकर खटीक जी हैं। कल जो एक बड़ा कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर होने जा रहा है वो हमारे भारत रत्न सम्मानीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, जिनका जन्म हमारे हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश की धरती इंदौर जिले के महू में हुआ था, और उनका जन्म का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ हमारे कार्यकर्ता लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब लोग शीर्ष नेतृत्व के आधार पर हम सब लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मतदान केंद्र पर, हर मतदान केंद्रों में एक कार्यक्रम होगा। 65,000 मतदान केंद्रों पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, और कार्यकर्ता के साथ साथ दो लोग हमारे एक ऐसे होंगे उसमें एक मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यकर्ता होगा और एक उसके इसमें एक अध्यक्षता करेगा। और तो ऐसा उसमें मुख्य अतिथि और अध्यक्षता में एक हमारा भाई अनुसूचित जाति का भी भाई जाएगा, जहाँ अनुसूचित जाति समाज के कम हैं लोग हैं या नहीं मिल पाते वहाँ पे, माने उनकी जनसंख्या है ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पर हमारा अनुसूचित जनजाति का भी भाई जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के बीच में बैठ करके हमारे कार्यकर्ता केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में ही बताएंगे, सब योजनाओं के बारे में ही बताएंगे, जो लाभ मिल रहा है उनको उनके लाभ के बारे में भी हमारे कार्यकर्ता पूछेंगे। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री और देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो पंचतीर्थ का एक नाम दिया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के लिए, जहाँ अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ महू की धरती पर, एक पंचतीर्थ वो हुआ जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, दूसरा पंचतीर्थ किया, तीसरा जहाँ पे बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की लंदन में वहाँ से किया, चौथा जस घर में बैठ करके उन्होंने देश का संविधान लिखा, और जहाँ माने दिल्ली में और जहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी, ऐसे चार, नागपुर की भूमि, बम्बई की भूमि, अमेरिका में लंदन की भूमि और दिल्ली की भूमि और महू की भूमि, ऐसे पंचतीर्थ जो बनाए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं, उन सब के बारे में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके सब चीज़ें बताएंगे। कल भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी महू जाएंगे और उनकी जन्मस्थली पर माल्यार्पण का कार्यक्रम करेंगे, और माल्यार्पण के कार्यक्रम के साथ मध्य प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मान्य विष्णुदत्त शर्मा जी भी जाएंगे, सम्मान्य हितानंद जी भाई साहब भी हमारे संगठन महामंत्री वो भी जाएंगे, और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी जाएंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर के हर हमारे मतदान केंद्र तक का कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित होगा। सरकार के ऐसे कई कार्यक्रम हैं केंद्र और राज्य सरकार के, उनको समरसता के साथ ये दिखाई देगा 14 तारीख को, लेकिन लगातार 7 दिन तक कई तरह के कार्यक्रम चले। मुद्दा बात यही रही है कि कैसे सरकार के कामों को जनता तक पहुँचाया जाए और जनता को ये बताया जाए, और जब बूथ पर जाने की बात होगी तो फिर 23 की तैयारी भी दिखाई देगी। आज असनी के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। तो मुख्यमंत्री समरसता कार्यक्रम करेंगे, अंबेडकर जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रम करेगी बीजेपी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महू पहुंचेंगे।